हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे ओमरॉन M/2N रिले के कनेक्शन कैसे होते हैं और इसकी होल्डिंग कैसे करते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास ये कि 8 पिन की रिले है और इसके साथ में आप ये देख लीजिए इसका वेस है। दोस्तों चलिए दोस्तों पहले इसके थोड़े कनेक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो रिले है ये 220 वोल्टेज की है दोस्तों, और इसके चलिए पहले कनेक्शन के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं 1, 5, 9 और 4, 8, 12, 13, 14 नंबर जो टर्मिनल है दोस्तों ये इसकी कॉइल के टर्मिनल हैं दोस्तों, और 1, 5, 9 जो नंबर जो टर्मिनल है दोस्तों ये कॉमन है, और 5 नंबर NO है और 1 नंबर NC है। वैसे दूसरी साइड में 4 नंबर और NC है और 8 नंबर NO है और 12 नंबर जो है वो कॉमन टर्मिनल है। चलिए दोस्तों इसके थोड़ा बेस पे आपको समझाते हैं तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपने रिले पे तो देख लिया, चलिए अब इसके बेस पे भी देख लेते हैं कि इसके कनेक्शन कहाँ होंगे। दोस्तों मैं आपको पहले ही बताया कि दोस्तों कि 13 और 14 नंबर जो टर्मिनल है ना वो इसके कॉइल के हैं, तो आप देख सकते हैं जो कॉइल के कनेक्शन होंगे वो यहाँ पे होंगे, और ये जो 12 नंबर और मैंने आपको 9 नंबर बताया था दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पे बेस पे भी लिखा हुआ है दोस्तों, वैसे ही दूसरी साइड में भी नंबर लिखे हुए थे दोस्तों। दोस्तों इसके कनेक्शन करने से पहले इसके साथ जो इक्विपमेंट लगेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास एक NO पुश बटन है और एक ही NC पुश बटन है, और दोस्तों आप ही देख सकते हैं ये इंडिकेटर है। दोस्तों इस इंडिकेटर को हम इसलिए यूज़ करेंगे दोस्तों ताकि हमारी रिले जब होल्ड होगी तो हमें इंडिकेटर के द्वारा पता लग सके। दोस्तों आप देख सकते हैं जो NO पुश बटन था उसके 3 नंबर टर्मिनल के साथ मैंने 2 वायर लगा दिया है दोस्तों, और दोस्तों आप देख सकते हैं 4 नंबर टर्मिनल के साथ भी मैंने 1 वायर लगा दिया है दोस्तों। तो दोस्तों हमने NO पुश बटन के कनेक्शन कर लिए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इंडिकेटर के साथ भी 2 वायर लगा दिया हुआ है, फेस और न्यूट्रल। दोस्तों ये 220 का जो इंडिकेटर था दोस्तों, चलिए दोस्तों इसे कनेक्शन करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं जो NC पुश बटन है ना दोस्तों, इसके 2 नंबर जो टर्मिनल है उसके साथ हमने एक ग्रीन पुश बटन वाली वायर को लगा देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने 1 वायर को लगा दिया, और इसकी जो दूसरी वाली वायर है ना दोस्तों इसको आप देख सकते हैं मैंने एक लूप लगा दिया दोस्तों साथ में, और जो मैंने आपको एक इस रिले का कॉमन वाला टर्मिनल बताया था ना 12 नंबर और 9 नंबर, आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसको 9 नंबर टर्मिनल के साथ लगा दिया दोस्तों। अभी दोस्तों जो 12 नंबर टर्मिनल कॉमन वाला बच गया ना दोस्तों उसके साथ आपने इस लूप को लगा देना। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको 12 नंबर टर्मिनल के साथ लगा दिया दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसकी जो लूप है इसको लगा दिया है दोस्तों। अब दोस्तों इसकी जो NO वाला टर्मिनल है ना दोस्तों, जो मैंने आपको 5 नंबर टर्मिनल बताया था दोस्तों NO, तो दोस्तों आपने 5 नंबर के साथ एक लूप लेके दोस्तों उसके साथ लगा देनी है 5 नंबर टर्मिनल के साथ, और दोस्तों ये जो लूप का दूसरा वाला सिरा है ना उसका आपने जो NO वाला पुश बटन है ना दोस्तों उसके जो 4 नंबर टर्मिनल से 1 वायर आई थी ना उसके साथ लगा देना दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपस में जोड़ देना दोस्तों। जोड़ने के बाद दोस्तों जो मैंने आपको 13 और 14 नंबर कॉइल के टर्मिनल बताए थे उसके साथ लगा देना दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों रिले का जो दूसरा वाला कॉमन वाला टर्मिनल बच गया था ना दोस्तों NO वाला टर्मिनल दोस्तों, उसके साथ दोस्तों इंडिकेटर के कनेक्शन कर देना दोस्तों। आप देख सकते हैं मैंने इसकी जो फेस वाली वायर थी इंडिकेटर की उसको लगा दिया दोस्तों इस रिले के NO टर्मिनल के साथ दोस्तों, और दूसरी वाली जो ब्लैक वाली वायर है दोस्तों अब उसको मैंने न्यूट्रल वायर के साथ जोड़ दिया है जो कि रिले का 14 नंबर टर्मिनल के साथ लगी हुई है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने न्यूट्रल को इंडिकेटर और रिले के न्यूट्रल को जोड़ दिया दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब मैं इसके जो NC पुश बटन था उसके मैं जो 1 नंबर टर्मिनल है उसके साथ मैंने फेस वाली वायर को जोड़ दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। दोस्तों ये जो फेस और न्यूट्रल वाली वायर है दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने फेस को मैंने NC पुश बटन के साथ दे दिया, और न्यूट्रल को मैंने डायरेक्ट रिले की कॉइल के साथ लगा दिया दोस्तों, और इंडिकेटर के साथ लगा दिया दोस्तों। चलिए दोस्तों अब इसको हम ऑन करके देख लेते हैं दोस्तों, जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो ये इंडिकेटर ऑन होगा और रिले में भी लाइट ऑन होगी दोस्तों, और जैसे ही मैं रेड पुश बटन को प्रेस करूँगा तो ये लाइट जो है वो बंद हो जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको ऑन करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन पुश बटन को प्रेस करा तो इंडिकेटर जो है वो हमारा ऑन हो गया और रिले में भी लाइट ऑन हो गई दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने ग्रीन आप देख सक लीजिए दोस्तों हमारा जो इंडिकेटर है वो ऑन हो गया है दोस्तों, और रिले में भी लाइट ऑन हो गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको बंद करते हैं, आप देख सकते हैं मैं दोस्तों मैंने रेड पुश बटन को प्रेस करूंगा तो ये जो लाइट है वो बंद हो जाएगी, रिले में भी लाइट बंद हो जाएगा, आप देख सकते हैं रिले में भी लाइट बंद होगी। चलिए दोबारा ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं रिले में भी लाइट आ गई और इंडिकेटर में भी लाइट आ गई दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको मैंने बंद किया तो दोनों में लाइट बंद हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से रिले की होल्डिंग करते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कुछ सीख पाए हैं, तो वीडियो को लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।